Assalamualaikum, टूर से आ चुका हूँ तो अब जा रहा हूँ बाइक का ऑयल चेंज करवाना है और साथ में ऑयल फिल्टर चेंज करवाना है और कुछ थोड़ी बहुत शॉपिंग भी करनी है। बाइक का कुछ सामान चाहिए, पार्ट्स वगैरह और कुछ मुझे अपने लिए कपड़े भी लेने हैं। माशाल्लाह नया इनका सेटअप है तो लाइटें तो नहीं है, हैंडल बार से नहीं मिला। ये हैंडल पे लगाने के लिए ना, हैंडल बार मुझे वही बिनाली वाला से मिलेगा, इनके पास तो नहीं है। चलो उधर जाके देखते हैं।
शोरूम आ गया, 2 किलोमीटर रह गए। मैं पहले सीधा नमाज पढ़ लूँ, तो मस्जिद यहाँ से दूर है, फिर मुझे पैदल जाना पड़ता है। तो वैसे भी पास होते मुझे काम करवाना पड़ेगा, ताकि पता दूँ क्या क्या कर रहे हैं। मैं भी बैठ कर दूँ यार, ये चीज़ें मेरी ना होती हैं। अदरवाइज पास नहीं होगा तो मैं काम ही नहीं करेंगे, बाइक खड़ी कर। इधर जाऊँगा अगर चीज़ें वहाँ पे शॉपिंग के लिए अच्छी लगी तो ठीक, नहीं तो फिर मुझे जाना होगा DHA की तरफ शॉपिंग मॉल में। धूप में नहीं खड़ा मैं, पीछे ही सही है। बस जी हमारा शोरूम आ गया, 2 किलोमीटर रह गए। मैं पहले सीधा नमाज पढ़ लूँ, तो मस्जिद यहाँ से दूर है, फिर मुझे पैदल जाना पड़ता है। पास करके मुझे काम करवाना पड़ेगा, ताकि पता दूँ क्या क्या कर रहे हैं। मैं भी बैठ कर दूँ यार, ये चीज़ें मेरी इतना होती हैं। अदरवाइज पास नहीं होगा तो मैं काम ही नहीं करेंगे, बाइक खड़ी कर। पास ही क्रीम ब्लॉक है, इधर जाऊँगा अगर चीज़ें वहाँ पे शॉपिंग के लिए अच्छी लगी तो ठीक, नहीं तो फिर मुझे जाना होगा DHA की तरफ में। धूप में नहीं खड़ा मैं, पीछे ही सही है, थोड़ा ही दूर रह गया। भाई जनाब खुल गई है, ऑयल चेंज करेंगे और इसका ऑयल फिल्टर, बाकी 2-3 चीज़ें हैं वो करवानी है। बाइक की भी मत बज गई है, फिर करें आप काम करें। अच्छा बाइक का काम हो गया और आगे कोगर में, कोगर की भाई सबसे अच्छी होती हैं। मुझे टी शर्ट चाहिए, नीचे ये पड़ी हुई है। इधर से टी शर्ट लेनी है और बस भाई निकलना है, बस इतना काम है। इनका 70-30% है, ऊपर 50% है। काफ़ी अच्छे आर्टिकल और टी शर्ट्स भी प्यारी हैं, और ये मेन इनकी पहली ब्रांच है जहाँ पे इतनी डिस्काउंट है। अदरवाइज़ जितनी भी ब्रांचेज हैं उधर सारे पे 30% डिस्काउंट लगी हुई है। ये करीम ब्लॉक में इधर काफ़ी अच्छी चीज़ें भी हैं, हाफ प्राइस में मिल रही हैं। मैं यहाँ फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ, पहले कभी है ही नहीं। ये ट्रोज़र्स और जैकेट्स, मैंने जैकेट्स ले ली एक, 50% लगी थी, उधर भी लगी हुई हैं। आइंदा इधर से आऊँगा भाई, इधर ही शॉपिंग करनी है। और ये टी शर्ट्स अच्छी लगी, हर कलर में मैंने ले ली। ये 14-15 टी शर्ट्स थी और एक मुझे अपर पसंद है वो मैंने लिया, कभी सर्दियाँ तो हुई नहीं, लेकिन मैंने कहा ले लो, 50% डिस्काउंट पे लगा था। और ये ट्रोज़र, ये थी शॉपिंग, और साथ में बाइक का जो काम था वो करवा के आ जाया हूँ। पहुँच गया हूँ तो भाई ये देखें जी, ये खर्चा आया बाइक पे, ऑयल चेंज करवाया, ऑयल फिल्टर चेंज करवाया, फिर इसका मिरर और होल्डर लगवाया है, अभी क्रैश गार्ड भी मेरे रहते हैं, और इसका बिल बना जी 3700 प्लस शॉपिंग की वो बिल बना जी कोई तकरीबन 8000, और साथ में 1000 की मैंने और भी, बल्कि बाइक का 1000 की 2 LEDs भी ली, वो भी ऐड करनी है इसमें। इसका बन जाता है तकरीबन 4700 और तकरीबन 1000 ये इसमें 9 and 5, टोटल जी 14000 रुपया मेरा लग चुका है आज का टूर के आने के बाद। और अभी भी मेरा जो है ना वो क्या नाम है, क्रैश गार्ड्स रहते हैं बाइक के, तकरीबन 1400-1500 रुपये के वो आएंगे, तकरीबन टोटल 15000 खर्चा मेरा हो गया है टूर से आने के बाद। और टूर पे कितना आया वो भी मैं इसके बाद एक बनाता हूँ वीडियो, प्रॉपर मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो ये थी भाई आज की वीडियो, आई होप कि आप लोगों को भी अच्छी लगी होगी। मेरी तो मत बच गई भाई, मैं तो अब खाना खाने लगा हूँ। अल्लाह हाफिज़।